तो ना पहाड़ों साइड ज्यादा बड़े वाले प्याज नहीं होते, ये छोटे ही वाले होते हैं, तो ये देख सकते हो आप। और अभी इसको सुखाने के लिए रखा है। दो कपले के साथ है यहाँ पे दही। और हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से, और मेरे गांव के एक छोटे से खोले से जिसका नाम हुआ कांडा। तो यहाँ ठीक यहाँ पे हमारा गांव, और मम्मी गई है आज नीचे खेतों में निराई करने पे। और आजकल होती है मंडुवे की सार, तो वहाँ बीच बीच में ना जैसे कंकड़ निकल आते हैं या घास निकल आती है, तो उसको क्या करते हैं कि उसको कुदाल से अलग करना पड़ता है। वो मम्मी गई है वहाँ। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुखाने के लिए रखा है ये प्याज, देखो। और हवा भी चल रही है काफी तेज वाली। वैसे यहाँ पे ना, एक तो हमारा घर थोड़ा ऊंचाई पे हो गया ना, तो यहाँ पे ऐसा सीन होता है, यहाँ पे हवा आती रहती है, मतलब चलती रहती है ज्यादा ही, तो बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है और शायद बहुत लोगों को बेकार भी लगता होगा, क्योंकि हवा की आवाज बहुत ज्यादा आती है। बाकी यहाँ पे देखो तो इस बारी का भाई इतना प्याज हुआ अपना, ये देखो आप, इतना कुछ हुआ है यहाँ पे। और इसकी वीडियो नहीं बना पाया मैं, मतलब निकालते हुए नहीं बना पाया, वो इसलिए क्योंकि कल मेरे को काम था शाम के टाइम पे और बारिश भी हो रही थी, तो मम्मी ने बारिश में उसको निकाल दिया, तो फिर पता भी नहीं चला किस टाइम निकाला। जब मैं घर में आया ना, तब तक निकाल रखा था ये। तो ना पहाड़ों साइड ज्यादा बड़े वाले प्याज नहीं होते, ये छोटे ही वाले होते हैं, तो ये देख सकते हो आप। और अभी इसको सुखाने के लिए रखा है ढंग से, काफी मतलब उतने बड़े वाले नहीं होते हैं, नॉर्मल प्याज होते हैं, जो छोटे 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 प्याज होते हैं, देखो आप, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। जैसे एक होते हैं ना बड़े बड़े प्याज, तो वो इस साइड कम ही होते हैं, मतलब और जगह होते होंगे लेकिन यहाँ हमारे साइड ना छोटे होते हैं। और कुछ ऐसे हैं भाई। और वैसे इस बार ना उतने ज्यादा प्याज नहीं हुए, कम ही हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि 2-3 महीने तो चल जाते हैं। तो पहाड़ों में इसको पता कैसे रखा जाता है, जो किचन होता है ना, तो उसके ऊपर को बोला जाता है इंदिरा, तो वहां पे इंदिरे बोला जाता है, ऐसा कुछ बोला जाता है, तो उसके ऊपर में रखा जाता है। और बहुत टाइम तक ऐसा है कि चलता रहता है, फिर मतलब वहीं से निकालो वहीं से डालो तड़का मारो, तो ऐसा कुछ होता है। बाकी कुछ ऐसा है भाई अभी का माहौल हमारे पहाड़ों का मस्त वाला। सुबह के टाइम पे तो भाई उतना बारिश बुरिश का नहीं होता, लेकिन शाम के टाइम पे ना, अगर सुबह के टाइम पे पूरा मौसम साफ भी रहेगा ना, तो शाम के टाइम पे पता नहीं क्या अपने आप बारिश लगना स्टार्ट हो जाती है, अपने आप शाम के टाइम तक मौसम पूरा पैक हो जाता है। तो कुछ ऐसे माहौल है पहाड़ों का और का। तो अभी ना माँ भी आ गई है खेतों से, और माँ लाई है, ये देखो आप, ये हैं कद्दू के पत्ते, तो इनका आज साग होने का, ये देखो आप। तो हमारे यहाँ ना थोड़ा कैमरे पे ना आने वाले लोग ज्यादा हैं, मतलब उनको थोड़ा बहुत शर्म लगती है। वैसे मुझे भी स्टार्टिंग में लगती थी, लेकिन बाद में ना आदत पड़ जाती है फोन की, तो फिर ऐसा कुछ है। बाकी आज बनेगा हरा साग, तो माँ जो लाई है ना उसका साग बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हैं अपने खेत, सारे के सारे पूरे सीढ़ीदार खेत हैं, वहां से हो गया और यहाँ तक है हमारे मोहल्ले वालों के खेत, आगे वाला खेत है ना ऊपर वाला, वहां तक है। और इन्हीं में आजकल जो घास है ना जमी हुई, जैसे जो मंडुवे के खेत हैं, तो उनमें जैसे घास है बीच में उगी हुई, तो उनको निकालते हैं कुदाल से। तो ये देखो आप, जैसे जहां जहां किया हुआ है ना, वहां थोड़ा बहुत मिट्टी, नई वाली मिट्टी दिखाई दे रही है, जैसे ये वाली हो गई, ये वाली, और जैसे इन जगहों अभी हुआ नहीं है, तो वहां देखो अभी ऐसा है। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया, और पता है टाइम का आजकल पता ही नहीं चल रहा है, और खाना खाने के लिए बुला दिया माने, तो भाई खाते हैं हरा साग बनाया आज। तो ये देखो, इसे कहते हैं कपला, तो भाई इतना टेस्टी होता है ना, और बहुत टेस्टी बन रखा है, और इसकी खुशबू इतनी मस्त आ रही है। तो किसी दिन मतलब परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। बाकी अभी खाना खाते हैं, पहले माँ आती है, माँ खाने रखती है और फिर खाते हैं। मैं तो कपले के साथ है यहाँ पे दही, और भाई अब खाना रखते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं। अभी एक बारी कपला धपला और मिर्च और चावल के मजे लेते हैं, बाकी थोड़ी देर में मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। तो थोड़ी देर पहले कितना सही मौसम था ना और कहा, और अभी देखो इस साइड भयंकर वाली बारिश लगने बैठ गई है, और बस अब कुछ देर में यहाँ भी आने वाली है। तो मौसम देखो पूरा पैक हो गया, और सुबह कितना साफ था,
तो आजकल यही है भाई, पता ही नहीं चलता है मौसम का कब बिगड़ जाए। सो अब किसी टाइम भी बारिश लग सकती है, तो इस प्याज को इन थैलों में डालते हैं और 5 मिनट में इनको अंदर रख देते हैं। ये देखो इतनी मिट्टी निकली है इससे, तो भाई इसको एक बार अंदर रखते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो ये देखो इतनी मिट्टी हुई है इस पे, और लगभग हुआ होगा ये 12-15 किलो होगा वैसे। ये देखो आप सिर्फ इस पे इतना, तो इतना कुछ हुआ है, बाकी डालते हैं भाई इसको अंदर पूरा। तो अच्छा हुआ अभी बारिश भी नहीं आई है देखो आप। और कभी कभी ना पता भी नहीं चलता है, दोपहर में थोड़ा बहुत नींद आ गई ना तो फट बारिश लग गई और पूरा भीग जाता है। तो भाई आज अच्छा हुआ, ऐसे ही ना ऊपर आसमान ने आवाज करना स्टार्ट किया तब तक मम्मी ने समेट दिया और थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। तो भाई ये हो गया, बाकी अच्छा हुआ जल्दी नींद खुल गई। आवाज कितनी खतरनाक हो रही है ना। तो अभी प्याज को निकाले हुए यहाँ पर से कम 20 मिनट हो रहे हैं और बारिश इतनी भयंकर वाला तूफान चला ना, अभी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था मैंने पर इतना भयंकर चला था, और बारिश भी काफी तेज वाली आई अभी। सुबह देखा था आपने कितनी मस्त धूप लगी हुई थी, यही है भाई। और जो लोग केदार है उनकी सोचो आप, कितनी भयंकर वाली बर्फबारी हो रही थी वहां तो सीधा बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि पिछली बारी थोड़ा बहुत यहाँ इतनी तेज वाली बारिश हुई थी तो वहां बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गई थी, बाकी तेज वाली बारिश से स्टार्ट हो गई है। वैसे आजकल बारिश सही भी है क्योंकि मंडुए की सार होती है ना, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि आजकल कुदाल लगता है तो फिर मतलब अच्छा हो जाता है, पूरा ग्रीनरी हो जाता है। लेकिन औरों के लिए तो भाई बेकार भी है, जो घर में उनके लिए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग ऊपर गए हैं भाई तो खतरनाक वाला हो रहा है। बाकी आसमान देखो, आसमान भयंकर वाली आवाज कर रहा है। और अच्छा हुआ छोटी बहन और माँ ना गाय के साथ जंगल गई थी, मतलब आगे इस साइड गई थी, तो अच्छा हुआ छाता लेके चली गई, नहीं तो भाई पूरा भीग जाते। तो आजकल ना गाय बकरियों को पता है दो टाइम जंगल ले जाया जाता है, एक सुबह के टाइम पे, और आजकल तो भयंकर वाली गर्मी होती है तो इस चक्कर में क्या होता है कि सुबह के टाइम पे भी जंगल ले जाना पड़ता है और शाम के टाइम पे भी जंगल ले जाना पड़ता है, दो टाइम। तो अभी शाम के टाइम पे मतलब 3 बजे से ले जाते हैं और सुबह ले जाते हैं 6, 6:30, 7 बजे। और यहाँ पे दाल लोगों ने टीन लगा रखा है ना, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा ही आ रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे धीमे से अच्छा है, अंदर पे चलते हैं और फिर थोड़ी देर में क्या पता अगर मौसम सही रहा तो थोड़ा बहुत आपको आगे रांची की साइड घुमाएंगे, नहीं तो भाई ऐसा ही रहना। तो अभी शाम के टाइम पे फिर से थोड़ा बहुत मौसम खुला है और आगे मधुमेश्वर साइड तो भाई ऊपर साइड तो बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गई थी, तो इतना ज्यादा हो गया था मौसम खराब। और वैसे थोड़ा बहुत हवा फिर से चलना स्टार्ट हो गया, मतलब जिस टाइम मैं फोन का कैमरा खोला ना उस टाइम पे सीधे हवा चलना स्टार्ट हो रही है। ओ भाई, तो अभी तेज होने बैठ गई है। तो अभी शाम के टाइम पे तो भाई रेगुलर मेरा प्लान रहता है, जिस टाइम पे मतलब मौसम साफ है, अभी देखो मौसम साफ हो गया तो एक टाइम हमेशा मेरा ऐसा रहता है कि थोड़ा बहुत रांची चलते हैं और थोड़ा बहुत घूमा, शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत घूमना सही रहता है, तो रांची चलते हैं थोड़ा बहुत घूमते हैं, साथ में आपको भी घुमाते हैं। तो यहाँ ना गौशाला के बगल में देखो यहाँ पे प्याज हो गया और बीन्स लगाई गई है, तो यहाँ पे देखो बीन्स लगने भी बैठ गए हैं, देखो आप ये हो गया। मधुमेश्वर घाटी कुछ ऐसी दिखती है ये देखो आप, और जहाँ की अभी पूरी बारिश ही बारिश हो रही है। तो अभी अभी घूमने से घर आया और अभी मतलब खाना भी कंप्लीट हो गया हमारा, तो हमारी साइड ना वैसे 8 या 8:30 बजे तक लगभग खाना कंप्लीट हो जाता है रात की, तो जल्दी हो जाता है इस साइड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना,
मिलते हैं आपको अगली किसी नई पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।